अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खलील अवान और आप देख रहे हैं इनविंसिबल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारतीय नेवी ने अपने तमाम अमले पर फेसबुक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। 19 दिसंबर को भारत ने एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में अपनी ही नेवी के 7 लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया था कि इन पर पाकिस्तान के साथ हसास इंफॉर्मेशन शेयर करने का इल्ज़ाम था। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इनविंसिबल पाकिस्तान को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक इन सेलर्स ने भारतीय नेवी की शिप्स और अफदोजों की एक एक हरकत को पाकिस्तान तक पहुंचाया। इन सेलर्स को फेक आईडीज के ज़रिए फेसबुक पर फंसाया गया था। ऑनलाइन रिलेशनशिप के चक्कर में इन सेलर्स को फंसाया गया और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए हसास इन्फॉर्मेशन हासिल की गई। 29 दिसंबर को भारत ने 4 और सेलर्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिन पर पाकिस्तान से मिलकर जासूसी करने के इल्ज़ाम हैं। 3 सेलर्स को मुंबई नेवल बेस और एक को करवार नेवल बेस से पकड़ा गया। इससे पहले पकड़े जाने वालों का भारतीय नेवी के ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड सेंटर से तल्लक था। ये सेंटर्स चाइना और पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए बनाए गए थे। याद रहे कि ईस्टर्न सेंटर में ही भारतीय न्यूक्लियर अफदोज की बेस भी है, जबकि करवार नेवल बेस में भारत का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। इस वाक़े से भारतीय नेवी की हवा इस कदर टाइट हुई कि भारतीय नेवी ने ना सिर्फ फेसबुक का इस्तेमाल बंद किया, बल्कि तमाम अमले के लिए नेवल बेसिस, बंदरगाहों और शिप्स पर स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी। ज़राए के मुताबिक फेसबुक के बाद भारतीय नेवी व्हाट्सएप और अमेज़ोन जैसी तजारती साइट्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाने जा रही है। इसी डर से भारतीय आर्मी में भी तमाम सोशल मीडिया साइट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा चुकी है। भारतीय नेवी की हालत देखकर लगता है कि नेवी नहीं, कोई सर्कस चल रहा है। इससे पहले हम भारतीय नेवी में ऑफिसर्स की बीवियों के तबादले भी सुन चुके हैं। इस कदर इखलाकी पस्ती तक सिर्फ भारतीय ही जा सकते हैं। जदीद से जदीद तर टेक्नोलॉजी खरीदने से भारत कुछ भी नहीं कर सकता जब तक वो अपना इखलाकी मियार दुरुस्त नहीं कर लेता। इनकी नेवी के नफसियाती और इखलाकी हालात इस कदर ख़राब हैं और ये हमसे जंग लड़ने की बात करते हैं। ये तो ऐसे हैं कि चंद पैसों के लिए हसास इन्फॉर्मेशन दुश्मन मुल्क को बेच देते हैं, और इन जैसे कई और भी होंगे जो इस वक्त भारत का सौदा कर रहे होंगे। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।